सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार डीडीसी माधवी मिश्र की निगरानी में विधानसभा चुनाव को लेकर आज पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कार्य आरंभ हुआ। मंगलवार को मुख्यालय स्थित बालक उच्च विद्यालय में सभी बीएलओ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुश्री मिश्र ने कहा कि 30 नवंबर को होने वाले मतदान कार्य को देखते हुए पोस्टल बैलेट द्वारा आज से मतदान कार्य आरंभ कराया गया है। इसमें पोलिंग पार्टी के लोग, पुलिस बल, चालक भी शामिल है जो आगामी 25 तारीख तक मतदान कर सकेंगे। कहा, पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान को लेकर जिले में लगभग 1700 आवेदन मिले हैं। तिथि का निर्धारण कर मतदान कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। आज मतदान कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। डालने की प्रक्रिया में पहला दिन है आज हम लोग का। 19 तारीख से 25 तारीख तक पोस्टल बैलेट मतदान कर्मियों, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, पुलिस पदाधिकारी, बीएलओ तमाम लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट 19 से 25 तारीख तक यहां पर डाला जाएगा। ये एक फैसिलिटेशन सेंटर है। दूसरा फैसिलिटेशन सेंटर हमारा गर्ल्स स्कूल है। दोनों जगह पे हम लोग अलग अलग संख्या में पोस्टल बैलेट डलवाएंगे। आज बीएलओज डाल रहे हैं। बीएलओज का टोटल नंबर जो पोस्टल बैलेट डालेंगे वो 127। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो मतदान करेंगे? अभी तक लगभग हम लोग के पास 1700 फॉर्म कलेक्ट हुए हैं। उसमें डिपेंड करेगा कि कितने लोग उस दिन वोट डालने आते हैं, तब हम लोग फाइनल नंबर देंगे।